तो मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हम अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का, तो हमें सिर्फ उसका डिटरमिनेंट निकालना और दो कंडीशन याद रखना है। तो हम अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और दो कंडीशन ये है कि या तो डिटरमिनेंट जीरो आएगा जीरो के बराबर, या तो कोई नॉन जीरो नंबर आएगा। अगर कोई नॉन जीरो नंबर आता है मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे -1, -2 या फिर 1, 2, 3, 4, तो उसका रैंक हो जाएगा 3। और अगर वो डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो ये बात तय है कि उसका रैंक 3 नहीं होगा। तो अब क्या करें, अब उसी मैट्रिक्स का हम 2x2 का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ए बी डी ई मैं ले लिया हूँ यहाँ पे, अब इसका निकालेंगे हम डिटरमिनेंट। अब फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, अगर ये नॉन जीरो आता है तो उसका रैंक हो जाएगा 2, और अगर जीरो के बराबर आता है तो हो जाएगा 1। तो ये ट्रिक से हम बहुत जल्दी से रैंक निकाल सकते हैं।